आप भी तो हद करती हैं ना अम्मा, 5 लाख इतनी बड़ी रकम होती है, किसी के भी काम आ सकती थी, मुझे दे देती, मेरे काम आ जाती। और देखा नहीं था आपने उस अरसला को, छोड़ा नहीं उसने चेक, हाँ फाड़ कर फेंक दिया, मुझे ही दे देती, कौन सी कमी हो रही थी उसे। आप ऐसे क्या घूर रही हैं? जब से गई है एक बार भी उसने फोन नहीं किया, क्या सोचती होगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा किया नईमा। मैंने बहुत बुरा किया? कोई बुरा नहीं किया है मैंने, मैंने सिर्फ उसे आईना दिखाया है। बहुत गुरूर था ना उसे अपने पैसे का कि वो जब चाहे जो चाहे जैसे भी कर सकती है। किसी ना किसी ने तो हकीकत माननी ही थी। अब तो पैसे चले गए ना, फिर किस बात का रोना है, अच्छा हुआ उसने चेक फाड़ कर फेंक दिया, अब तो आतिफ को भी एतराज होता। अब उसे कोई एतराज नहीं होता अरसला की किसी भी बात पर, ऐसा लगता है जैसे वो भूल गया है अरसला की सारी पुरानी बातों को। मतलब मैं जब भी उसका जिक्र करती हूँ, कुछ भी कहती हूँ उसके बारे में, तो वो मुझे पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। लगता है आतिफ पुराने जैसा बनता जा रहा है, यकीन नंद दाल में कुछ काला है, पता है मुझे। तो बहुत ही कदम बेकार है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अरसला बीबी आपकी? पहले से बेहतर है। शुक्र है आपकी तबीयत संभल गई, हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए। तहसीन मां जी बहुत परेशान हो गई होंगी। शहराम साहब भी तो बहुत परेशान थे बेचारे। शहराम साहब वो आए थे यहाँ? हाँ, सारी रात यहाँ बैठे रहे, जरा सा भी आराम नहीं किया, जब आपका बुखार उतरा तब यहाँ से गए वो। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। उनकी तरफ देखो अरसला, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत की ताकत को महसूस करो जो किसी किसी को नसीब होती है। कुछ ताल्लुक कभी खत्म नहीं होते अरसला, और ना ही उन्हें कोई खत्म कर सकता है। आपने बुलाया था सर? हाँ सर, सर बैठो। तुम्हें याद दिलाना चाह रहा था सर। आप बेफिक्र रहें, आतिफ और उसकी फैमिली फंक्शन में जरूर आएंगे। उनका वहां होना बहुत जरूरी है सफदर, मैं हर हाल में उन्हें वहां देखना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। आतिफ मेरी कोई बात नहीं टाल सकता, मैं आतिफ को और उसकी फैमिली को फंक्शन में जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा सर, मैं सोच रहा था कि अगर हम इस इवेंट को, इस फंक्शन को घर के बजाय किसी बैंक्वेट हॉल में करें, थोड़ी अरेंजमेंट्स अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए, क्या कहते हैं आप? हाँ आइडिया बुरा नहीं है। तुम इस तरह करो, सारे गेस्ट को फिर इन्फॉर्म कर दो, और स्पेशली नसरीन आंटी को, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा एक बात पूछूं सर आपसे? हाँ पूछो। सर आप खुश नहीं हैं? जरूरी नहीं कि हर इंसान खुश भी हो, बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं, खुश हो ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है सर, खुशी हर एक को दरकार होती है, और हर एक को फर्क भी पड़ता है। इंसान को इतना भी बेलॉस नहीं होना चाहिए आपकी तरह। काम बहुत ज्यादा है और वक्त कम, क्या ख्याल है? ठीक है सर, मैं अरेंजमेंट्स देखता हूं।
अरसला, क्या सोच रही हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कहा भी था कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती फिलहाल तो कोई काम ना करो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तहसीलदार जी, वाकई में। फिर भी आराम करो, ज्यादा अच्छा है। बस ये कुछ ईमेल्स देख लूं, फिर आराम कर लूंगी। तहसीन भाजी, क्या उस रात शहराम यहां पर? आपने उन्हें जाने को क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं मना किया कि वो नहीं रह सकते यहां? बिना वजह सारी रात। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी अरसला, हम लोग तुम्हारी वजह से बहुत सख्त परेशान थे। शाहराम ने यहाँ रात रुकना मुनासिब समझा तो फिर मैं उसे यहाँ से जबरदस्ती जाने को तो नहीं कह सकती थी। यूं ही तकल्लुफन बैठे रहे होंगे। अगर आप उन्हें जाने को कहती ना तो जरूर चले जाते, और फिर मेरा और उनका रिश्ता ही क्या है जब वो इस तरह परेशान हो मेरे लिए। क्या सोचते होंगे कि अब भी मैं वैसी अरसला हूं, बेबस, कमजोर, जैसी हमेशा उन्होंने देखी है, जिसकी हमेशा उन्होंने मदद भी की। इसलिए आ गए एक और एहसान करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अरसला, तुम हमेशा शाहराम को गलत समझती आई हो। मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ तहसीन बाजी। दरअसल उन्हें मेरे पे एहसान करने का शौक है। और उनके एहसान हमेशा मेरे पे भारी पड़े। बहुत मुसीबतें उठाई हैं मैंने उनकी वजह से। सिर्फ सोचे, अगर जूबिया और नसरीन आंटी को पता चले कि सारी रात शाहराम साहब यहां थे तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी, शाहराम बहुत मुश्किल है, वो नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारे यहीं रखो, ड्राइवर से कहना मैं भी फिर निकलूंगी थोड़ी देर में। अम्मी मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा चलो ठीक है। शाहराम की वजह से फिर डेट तब्दील करनी पड़ी। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कों को, खुद से फैसले कर लेते। जाहिर है अब हमें उनकी खुशी में खुश होना पड़ता। हाँ जाहिर है। पापा अगर आपको अटेंड नहीं करना तो आप स्विच ऑफ कर दें फोन। ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप कल तशरीफ ले आइए, आपसे मुलाकात हो जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग इतने बदतमीज क्यों हो गए? ये कौन है जो आपको बार बार फोन किए जा रहा है? कोई शेल्टर होम से फोन आ रहा है बीजान की तरफ से। अब देखिए ना आजकल मैं मसरूफ हूँ, 3-4 रोज बाद में जाके चक्कर लगा लूँ। बासित, इतना पैसा खर्च कर लिया हमने बीजान के ऊपर, लेकिन वो है कि हमें चैन से रहने ही नहीं दे रही। भाई आजकल के जमाने में आप जैसा बेटा होना भी बहुत मुश्किल है। मेरी शादी तक प्लीज उनको वहीं पे रखिएगा।
भाई मैं तो चाहती हूँ क्या वो वही रहे। इतनी अच्छी केयर है कि जिसकी हद नहीं है, भला इस उम्र में और क्या चाहिए उन्हें। इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ऐसा करें कि इनके घर वालों को इत्तला दे दें। जी डॉक्टर साहब, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन फिलहाल वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं मसरूफ हूँ। अगर मसरूफ ना होते तो ये नौबतें क्यों आती हैं? एनीवे, इनको आईसीयू में शिफ्ट करवाओ फौरन। जी डॉक्टर साहब। आ जाए। आप क्यों आए हैं बाप यहां? एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई जरूरी बात हो सकती है, बस ऐसे ही लगता है कि आप अपना और मेरा वक्त जाया करेंगे। यही तो बात है कि अब मेरे पास जाया करने के लिए कुछ बचा नहीं। खैर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। कल मेरी और जुबिया की एंगेजमेंट है। तेरा नाम बताऊं किसको? मैं आना होगा अरसला। ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। प्लीज मना मत करना। आतिफ, आतिफ, ये तो बड़े फखर की बात है ना कि उन्होंने हमें दावत दी है। मतलब इतने बड़े लोगों ने हमें बुलाया, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम्हारी तो बड़ी अहमियत है। क्यों? सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, दफ्तर के बाकी लोगों को भी बुलाया। लेकिन सफदर साहब ने तो तुम्हें खुद दावत दी है ना, और ये भी कहा है कि पूरी फैमिली के साथ आना। हाँ, तो सफदर साहब की वजह से तो जा रहा हूँ। उनका एहसान है मुझ पे, उनकी बात को नहीं मैं टाल सकता। बहरहाल तुम मम्मी से भी कहना तैयार हो जाए, वो गाड़ी भेज देंगे। हाँ हाँ, सब लोग जाएंगे। जरा हम भी तो देखे कि बड़े लोगों के फंक्शन होते कैसे। वैसे हो क्या रहा है उनके घर में? होगा कोई फंक्शन वंक्शन, जाएंगे तो पता चल जाएगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें, उन्हें कोई फंक्शन रखने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी होती है। हाय, वैसे पता है मैं सोच रही थी कि कितनी अच्छी बात है ना कि हम दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं, वरना इसी घर में कैद होकर रह गए थे। सफदर साहब की वजह से लेके जा रहा हूँ तुम्हें। पहनूंगी क्या? कुछ भी हो जाना तो है ना। जिद मत करो अरसला, क्या हर्ज है चलने में? शाहराम खुद तुम्हें इनवाइट करने आया था और उसने मुझसे भी बहुत इसरार किया है। तो आप जरूर जाना तहसीलदार जी, मगर मैं नहीं जा सकती। चलें, अगर शाहराम साहब की मंगनी किसी और से हो रही होती तो शायद, मगर मैं जूबिया और नसरीन आंटी को फेस नहीं कर सकती। तो तुम उन लोगों से डरती हो? मैं तुम्हें इतना बुजदिल नहीं समझती। मैं बुजदिल नहीं हूँ तहसीलदार जी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो लोग खुद मुझे वहां बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वैसे भी कोई खास खुशी नहीं होगी मुझे देखकर वहां। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है अरसला,
कौन तुमसे खुश हो रहा है, कौन तुमसे खुश नहीं हो रहा है। तुमने जमाने भर का ठेका नहीं लिया हुआ है। लानत भेजो इन सब लोगों पे। भेज चुकी हूँ, इसलिए नहीं जा रही। हेलो शाहराम। शाहराम वो नहीं आएगी, मैंने बहुत कोशिश की है। नहीं मान रही वो। सारा फसाद श्रृंग का था। काश मैंने तुम्हें इस झूठ मूठ के रिश्ते को कायम करने पर मजबूर ना किया होता। मैंने सुना कि तुमने आने से इनकार कर दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जब सुन ही लिया है तो फिर पूछने की जरूरत क्या है? जरूरत है, इसीलिए आया हूँ। सुना, क्या तुम मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती? ये मेरी आखिरी दरख्वास्त है अर्सला। ना इससे पहले मैंने कुछ चाहा है, और खैर तो बात ही खत्म। मैं वहां नहीं जा सकती शाहराम साहब। मैंने खुद को तैयार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तो ये कहो ना कि तुम अब भी डरती हो उन सबसे। कमाल है, घटिया और कमजोर लोगों से डरना बेवकूफी होती है। और ना ही मैं बेवकूफ हूं ना बुजदिल। तो फिर एक ही बात है। क्या? यही कि तुम्हें मेरी और जूबिया की एंगेजमेंट से बहुत दुख हो रहा है। मैं सामने देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए। आप बहुत गलत सोच रहे हैं शाहराम साहब। आप चाहे 10 बार भी एंगेजमेंट कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्सला, अगर मैं गलत हूं तो तुम्हें आना ही होगा, वरना ये एंगेजमेंट नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको। खामोशी सहमी सी है, खामोशी। अरे आतिफ बेटा, मैं वहां जाके क्या करूंगी? मुझे घर पर रहने दो। तुम नहीं जा रही तो फिर मैं भी नहीं जा रही। मैं क्या करूंगी वहां जाके? फिर ऐसा करो कि तुम और नहीं वहां चले जाओ दोनों।
अम्मी आप भी जाएंगे और खाला भी। मैं वादा कर चुका हूँ सफदर साहब से, फिर थोड़ी देर की तो बात है। ठीक कह रहे हैं आतिफ, अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और वैसे भी उन्होंने इतनी इज्जत से बुलाया, हमें जाना चाहिए, हम सब जाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं चलती हूँ। बहुत सारे लोग होंगे क्या? क्या हो गया है खाला, सफदर साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो हमारी तरह थोड़ी गिन गिन के मेहमानों को बुलाते होंगे, इससे पता नहीं कौन कौन होगा वहां पर। आप फिर तो वहां पर अरसला भी होगी। क्या हो गया है माँ, अरसला कैसे होगी वहां पर? सफदर साहब बहुत इज्जतदार और बहुत बड़े आदमी हैं, अरसला जैसी लड़कियों का क्या काम है वहां पर। नहीं मैं बस भी कर दो, तुम थकती नहीं हो अपनी इन बातों से? कुछ खुदा का खौफ कर, ये जहर जो तुम दूसरों की जिंदगी में उतार रही हो ना, किसी दिन तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाए। आतिफ तो हमेशा ना ऐसी बातें करता रहता है। खैर मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो आप लोग भी अपने कपड़े निकलवा ले, मैं इस्त्री करवा देती हूँ, ठीक है? सर इनका बीपी बार बार शूट कर रहा है, मेडिसिन मैंने दे दी है और बाकी की रिपोर्टें शाम तक आएंगी। देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, उनके घर वालों को इतला दे दो, इनकी हालत बेहतर नहीं है, इन्हें किसी अच्छी जगह ट्रांसफर करना होगा, और घर वालों के बगैर ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर साहब हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद वो मुझसे बाहर गए हो, वरना अब तक तो रब्ता हो जाता। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई दूसरा नंबर तो दिया होगा ना उन्होंने? सॉरी डॉक्टर साहब, पासिस साहब ने एक ही नंबर दिया था जो बन जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, और उनके अलावा इनका कोई है भी नहीं। लापरवाही की भी हद होती है। जी लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, हो सकता है कि रब्ता हो जाए। ओहो नसरीन, आज तो तुम पहचान ही नहीं जा रही, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हमारी शादी वाले दिन तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए कि उस जमाने में ऐसा मेकअप ही नहीं होता था, और बीजा ने मेरी शादी का जोड़ा बहुत ही फिजूल लिया था। अच्छा आज तो खुश हो ना, अर्शे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही। आज तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है, हमारी बेटी को अपने मन पसंद का लड़का मिल रहा है। बहुत दुख उठाया उसने, बहुत इंतजार किया है शाहराम का। अच्छा सुनो, आज शादी की डेट भी अनाउंस कर देना अगले माह की, ठीक है? जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, शाहराम को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं जरा जुबिया को देख लूँ, वो कितनी देर है उसको। जी ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। ओके मैं बताती हूँ आपको। तहसीलदार जी मैं तैयार हूँ, चले। माशाल्लाह चश्मे बद्दूर, तुमने इतना अच्छा फैसला किया है, मैं बहुत खुश हूँ, चलो। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आतिफ साहब आप सबको देखकर, आप ही का इंतजार था। ये शाहराम साहब हैं, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। आतिफ
बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर, शुक्रिया तुम आए। शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम, मेरा मतलब है कि आप। कोई बात नहीं, आइए अंदर। शहराम, तुम अपने मेहमानों से तारुफ नहीं कराओगे? जी ये है आतिफ, अरसला के कजन, और ये अरसला की फैमिली। जी मैं अरसला की खाला हूँ, और उनकी वालदा को भी आना था लेकिन वो नहीं आ सकी, और ये मेरी, मैं आतिफ की बीवी हूँ। मैं हूँ नसरीन बासित, आज हमारी बेटी जुबिया की मंगनी है शहराम के साथ, ये उसका ही फंक्शन है। आइए प्लीज। चल चलो ना आतिफ। हाय शहराम, तो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर निकला, मतलब कितनी शानदार पार्टी रखी है उसने। चलो अच्छा हुआ ना, इसी बहाने हमें यहाँ की शान और शौकत भी देखने का मौका मिल गया। क्यों नहीं मत, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, मुझको नतीजों की तरह इधर उधर मत देखो, गलती होगी मुझसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। तुम नहीं लेकर आए हो, सफदर साहब ने खास तौर पर इनवाइट किया था हमें, और अब तो हम सफदर साहब के क्यों बल्कि हम तो शाहराम के मेहमान हैं। यही बात तो समझ नहीं आ रही मुझे, मेरा मतलब है शाहराम हमें क्यों इनवाइट करेगा, माजी में जो इतना कुछ हो चुका है उसके बाद तो उसे हमारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। तुम उसके ऑफिस में नौकरी करते हो, इसीलिए उसने अपने सारे ऑफिस वालों को अपनी खुशी में शरीक किया है, बस इतनी सी बात है ना। नहीं मैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं शाहराम के पास, शायद तुमने सुना नहीं, सबसे हमारा तारुफ अरसला की फैमिली कह के करवा रहा है। आतिफ, अरसला भी तो इतने अरसे बीजान के पास रही है ना, तो उसकी फैमिली सिर्फ अरसला को ही जानती है। साबिर खालू को फोन इस औरत ने किया था, अम्मी ये अरसला की फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है, इन लोगों को किसने बुलाया, आपने शहराम से पूछा? बेटा शहराम ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ पूछती उससे, डोंट वरी आप ही गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना ना अपनी आंखों से शानदार मंगनी देख के जाएंगे। सारा मूड खराब करके रख दिया, कितनी खुश थी मैं। बेटा तुम्हारी खुशी पे कोई आंच नहीं आएगी, तुम अपना मूड मत खराब करो, आज ये तुम्हारा दिन है। अरसला के घर वाले तो क्या, आज अरसला खुद भी अगर यहाँ आ जाती ना कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी बेटा, आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह बिल्कुल शहजादियों जैसी, आज तुम्हारी जैसा पूरी महफिल में कोई नहीं होगा। मुबारक हो शाहराम, कम से कम आप तो ऐसे ना कहते थे। क्या आपके लिए? तहसीन माजी की तरफ से। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा भी, दिए तो तुमने ही है। मैं आपके साथ, मैं जरा मेहमानों को देखूं। घबराओ मत, तहसीन यही है। मैं किसी से घबरा नहीं रही हूँ, अरसला बदल चुकी है शाहराम साहब। बहुत अच्छी बात, और उसे भी ये अच्छी बात है कि तुम मेरे कहने पे आई, बात मान ली तुमने मेरी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी उल्टी सीधी बेवकूफी की वजह से आई हूँ, बेहतर होगा कि आप जल्दी से अपनी ये मंगनी करें ताकि ये तमाशा आज ही खत्म हो जाए।
प्यारे लोगों को बाल घर से बनाकर आए थे। मरसला हैरत है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये यहाँ क्या कर रही है? सलाह को देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे, कितना बदल गई है ना। बिल आखिर तो उसको बदलना ही था। कितना गुरूर आ गया इसमें, मतलब खाला मिलने भी नहीं आई हमसे, मतलब प्यार से इज्जत से मिलने आ जाता है इंसान, वो तक नहीं किया। वैसे भी अब तो शाराम की मम्मी हो रही है, क्या काम उसका यहाँ? नहीं, अगर तुम खामोश नहीं रह सकती हो ना तो चली जाओ यहाँ से। मुझे कुछ शौक पे नहीं था यहाँ आने। लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें कि यहाँ पे अरसला भी आई हुई है। बेटा मैं तो खुद से अभी यहाँ देख रही हूँ। शाराम, तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुमने अरसला को भी यहाँ बुलाया? तुम्हें इसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं उस रुबिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहूंगी। इसे कहो यहाँ से चली जाए। शाराम साहब को कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहां मजबूरन आई किसी के कहने पर, वरना मैं आप में से किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। देखा तुमने, देखा तुमने शेराम की किस बदतमीजी से बात कर रही है। बेटा छोड़ो, ऐसे लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, इन्हें सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। अरसला, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ तुम्हारा रुकना बहुत जरूरी है। याद है नसरीन आंटी, एंगेजमेंट से पहले मैंने आपको कहा था कि आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। देखो बेटा, तुम जो कहोगे वो सब मुझे मंजूर है, लेकिन ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। शर्त को पूरा किए बगैर ये एंगेजमेंट भी नहीं होगी। आपने इनके घर वालों से कांटेक्ट किया? देखो पेशेंट की हालत बहुत खराब है और ऐसे वक्त में इनके किसी अपने को इनके पास होना चाहिए। जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को इन इदारों में लाते हैं, इनमें से बहुत कम रब्ता रखते हैं, बल्कि ज्यादातर तो गलत एड्रेस लिखा के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इस ज़ईफ़ी के आलम में अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह तना छोड़ देना, और उफ मेरे खुदा। हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, हम तो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। इनकी हालत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसी भी वक्त। बहरहाल तुम इनका ख्याल। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं समझी नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? आसान सी बात है, आप सबको बताइए कि अरसला इतने साल आपके साथ क्या काम करती रही? क्या करती थी? भाई घर के काम के लिए आई थी, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयां करना और भी जान की खिदमत करना, यही काम वो पहले भी करती थी मुदस्सर भाई। क्या सुन लिया आप सब लोगों ने, अरसला इन सख्त दिल लोगों की खिदमत करती थी, इनकी नफरत सहती थी, आप सब के लिए, आपकी खुशी के लिए, और बदले में उसको क्या मिला, क्या दिया आप लोगों ने? गलती हमारी नहीं है, गलती उन पैसों की है जो अरसला हमें भेजती रही थी। नहीं आतिफ, मुझे बोलने तो आज। गलती उन पैसों की है, और क्यों ना हो भला शक, अगर इतने पैसे आएंगे तो
वो पैसे मैंने दिए थे बीजान को अरसला के लिए। अरसला को उस वक्त पैसों की शदीद जरूरत थी, इसलिए दिए थे। अगर ये बहस खत्म हो चुकी हो तो हम मंगनी की रस्म कर ले। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई जुबिया। नसरीन आंटी, आपने जो साबिर साहब से कहा अरसला और मेरे हवाले से, उसके लिए आपको अरसला से माफी मांगनी होगी।